नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। आज अक्षय नवमी की तिथि है। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन का और तिथि का हिंदू धर्मावलंबियों के लिए खास महत्व है। आज के दिन कुष्मांड दान, जिसको मगध के क्षेत्र में भुआ बोलते हैं, उसका दान ब्राह्मणों को किया जाता है और कुष्मांड के साथ गुप्त दान भी किया जाता है। गुप्त दान क्या होता है? गुप्त दान में द्रव्य दान होता है। द्रव्य दान का मतलब हुआ कि सोना चांदी आभूषण नगद रुपये वगैरह दान ब्राह्मणों को किए जाते हैं। और यह सारी विधि जो है सो आंवला वृक्ष के नीचे किया जाता है। आंवला वृक्ष के पहले फेरे लोग लगाते हैं, उसके बाद जो है सो ब्राह्मणों को दान किया जाता है यह सब चीज़। और उसके बाद आंवला वृक्ष के नीचे ही सुस्वादु भोजन बनाकर लोग उसे ग्रहण करते हैं। महिलाएं इसमें पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा आगे रहती हैं इस पूजा पाठ करने में और कुष्मांड दान करने में। आज अक्षय नवमी की तिथि के दिन नवादा के विभिन्न मंदिरों में, जहाँ भी आंवला के पेड़ हैं, वहाँ पर काफ़ी चहल पहल रही। महिला पुरुष श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से पहुँचे और कुष्मांड दान किया, आंवला वृक्ष के फेरे लगाए और साथ में ब्राह्मणों को दान दिया। और भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है, भगवान विष्णु का कथा का श्रवण ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं नवादा के विभिन्न मंदिरों में जहाँ आंवला पेड़ है, वहाँ की दिन भर की गतिविधियाँ आज क्या है कुष्मांड दान को लेकर। बताइए कि जरा आप बताइए कि इस पर्व को करने का क्या महत्व है, क्या फल मिलता है इसका? इसका महत्व दोनों लोक तीनों लोक में दुर्लभ है। यह व्रत यानी कि यह इस जन्म में भी किया हुआ वह तीनों लोक में उस जन्म में भी यानी मरने के बाद भी इसका फल मिलता रहेगा। यह ऐसा कुष्मांड दान है। कुष्मांड दान का मतलब होता है गुप्त दान, कोई जाने नहीं, गुप्त दान। आज मतलब ये लोग महिला लोग आई है? हाँ, महिला लोग जो आए हैं और भुवे को उसको काट के अंदर में देते हैं, जो कुछ कोई देखे नहीं, वही सात जन्म तक मिलता रहता है, वही सात जन्मों तक के उसको इस लोक से दुर्लभ है। कृष्ण धनंजय शर्मा
और धर्मदेव दो भाई जो है इस तरह कथा का जो वर्णन किया गया है इसका महत्व इसका विधान किस देवता की पूजा है आपका? भगवान विष्णु का साक्षात पूजा है। क्या नाम है आपका? रामानंद पांडे नाम है। संकल्प नवमी जो है सो बहुत ही महत्तम चीज है कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना में जो है सो अच्छा नवमी का बहुत बड़ा ही महत्व रखता है। और इसमें जो है से कृष्ण और धनंजय नाम के दो ब्राह्मण के पुत्र थे जो कि राम शर्मा नाम के ब्राह्मण जो है सो व्रत किए थे, बहुत सारा धन संपत्ति जमा किए थे, लेकिन राम शर्मा कृष्ण जो है सो दोनों संपत्ति जो थे अपने पिताजी का नष्ट कर दिए। धनंजय भी तो धनंजय और राम शर्मा जो है अपने पिताजी के धन को समूचे नष्ट कर दिया। उसके बाद बहुत पुण्य के कर्म को जो साथ जो होता है वह व्रत को किए थे। तो कौन किए थे? तो धनंजय किए थे। धनंजय जो है सो किए थे उसी पुण्य के प्रताप से कि जो है सो श्री कृष्ण का भी पुण्य मिला और वही जो है सो साथ में दोनों भाई जैसे आज भी पुण्यशील और सुशील के नाम से स्वर्ग लोक में विराजमान है। नाम बताइए अपना। अनिल कुमार पांडे।